नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट पर। उड़द की दाल के बड़े बनाने हों या इडली, घर में मिक्सी का इस्तेमाल तो होता ही है। कई लोग मिर्च, धनिया और हल्दी या दूसरे मसाले पीसने के लिए भी मिक्सी को इस्तेमाल में लेते हैं, लेकिन कुछ घरों में आधुनिक आटा चक्की रखने का भी चलन है। ऐसे में बिजली बहुत ज़्यादा खर्च होती है, लेकिन अगर आप ये सब काम सुबह या शाम को करने के बजाय अगर दिन में कर लें तो बिजली खर्च में 20% की बचत आप कर सकते हैं। जी हाँ, बिजली मंत्रालय नए इलेक्ट्रिसिटी रूल्स लेकर आ रहा है। इन नए नियमों के मुताबिक दिन में बिजली 20% तक आपको सस्ती मिलेगी, वहीं पीक आवर्स में बिजली 20% तक महंगी हो जाएगी। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिजली मंत्रालय ने शुक्रवार को ये बात कही। रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए इन नए इलेक्ट्रिसिटी रूल्स को सरकार लेकर आ रही है। इन रूल्स के तहत स्मार्ट मीटर लगाए जाने के साथ ही वक्त के हिसाब से उपभोक्ताओं से बिजली की दरें ली जाएंगी। सरकार के फैसले के मुताबिक राज्यों के बिजली नियामक आयोग पीक और नॉन पीक आवर्स खुद ही तय करेंगे, जिसके बाद दिन के अलग अलग वक्त में अलग अलग बिजली की दर उपभोक्ताओं को देनी होगी। यानी कि कुल मिलाकर के दिन में तो दरें कम हो जाएंगी, लेकिन रात में बिजली का इस्तेमाल आप अगर करते हैं तो आपको इसके लिए ज़्यादा पैसा चुकाना होगा। सरकार के फैसले के मुताबिक सौर घंटों के दौरान सामान्य दर से 10-20% तक बिजली की दरें कम रहेंगी, यानी कि जो जब दिन का समय होगा, यानी जब बिजली की मांग ज़्यादा होगी तो फिर दर बढ़ जाएगी। 10 किलोवाट और ज़्यादा के, इससे ज़्यादा के बिजली कनेक्शन लेने वाले कॉमर्शियल और औद्योगिक उपभोक्ताओं को ये नई दरें 1 अप्रैल 2024 से, यानी अगले साल से देनी होगी। वहीं कृषि कार्यों के अलावा बाकी उपभोक्ताओं को नई दरें 1 अप्रैल 2025 से, यानी अब से 2 साल बाद देनी पड़ेगी। स्मार्ट मीटर लगने के साथ ही नई दरों को लागू कर दिया जाएगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने इसे उपभोक्ताओं के लिए अच्छा बताया है। उनका कहना है कि पीक डिमांड के घंटे, सौर घंटे और सामान्य खपत के घंटे अलग कर देने से उपभोक्ता अपना बिजली बिल कम कर सकते हैं और इसका उन्हें फायदा मिलेगा। ऊर्जा मंत्री का कहना है कि गैर सौर घंटों में थर्मल और पन बिजली के अलावा गैस वाले पावर प्लांट भी चलते हैं। इनकी जो दरें हैं वो सौर ऊर्जा से बनी बिजली के मुकाबले ज़्यादा होती हैं। अब उपभोक्ता ये तय कर पाएंगे कि कब उनको ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करनी है और कब उनको ज़्यादा बिजली नहीं इस्तेमाल करनी है। ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के ग्रिड से बेहतर जुड़ाव में ये व्यवस्था ज़्यादा बेहतर रहेगी। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर नियामक आयोगों ने इस व्यवस्था को कॉमर्शियल और उद्योगों के लिए मंजूरी दे दी है। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि चूंकि सौर ऊर्जा जो है, सोलर एनर्जी, वो सस्ती होती है, इसलिए सौर ऊर्जा घंटों के दौरान बिजली की दर कम होगी, इससे उपभोक्ताओं को फायदा होगा। नॉन सोलर आवर्स के दौरान थर्मल और हाइड्रो पावर के साथ साथ गैस बेस्ड कैपेसिटी का भी इस्तेमाल किया जाता है और इन सभी की जो लागत है वो सोलर एनर्जी के मुकाबले ज़्यादा होती है। यानी कि अगर मैं आसान भाषा में आपसे कहूँ तो अब सरकार ये चाहती है कि लोग जल्द से जल्द बिजली के थर्मल, हाइड्रो या गैस बेस्ड सोर्स को छोड़कर सोलर पावर जैसी रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। सरकार के इस कदम से साल 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से अपनी ऊर्जा क्षमता का 65% तक का टारगेट पाने में तो देश को मदद मिलेगी ही, साथ ही साल 2070 तक शून्य उत्सर्जन यानी कि जीरो कार्बन एमिशन का जो टारगेट है वो पाना भी आसान हो जाएगा। यानी कि 2070 तक पूरी की पूरी जो बिजली है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से ही बने। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। ये जो नया टैरिफ प्लान सरकार लेकर आ रही है, जिसके अगले साल से लागू हो जाने की जो फैसला है सरकार ने लिया है, इस पर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।